ईपीएस पेंशनर्स के लिए अर्जेंट खबर। सरकार का पेंशनर्स को शानदार सौगात। अगर आपकी उम्र 58 साल से अधिक है तो आपको ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। सरकार का कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान, अब मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के साथ हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। तो अगर आप भी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं या फिर आप ईपीएस पेंशन धारक हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है। साथ ही पेंशन से जुड़ी इस तरह की आपको रोजाना अपडेट देखने को मिलती रही। यहाँ पर आपकी पेंशन से जुड़ी अलग अलग तीन बड़ी अपडेट मिली है। तो मोदी सरकार ने पेंशन को लेकर क्या ऐलान किया है, जिसके बाद ईपीएफओ का क्या फैसला होने वाला है, और पेंशन धारकों से आती यानी कि जो राजनाथ सिंह से यानी कि पेंशनर्स की मुलाकात हुई, वहां से पेंशनर्स को क्या नया आश्वासन मिला है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण जो पेंशन से जुड़ी जानकारी आ रही है, आज दिन भर के छोटी बड़ी सभी ईपीएस पेंशन से जुड़े अपडेटों को जानने वाले, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। साथ ही ओपीएस से जुड़ी भी अनकी अपडेट है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, जो कर्मचारी पेंशनर्स से उनके लिए मोदी सरकार से पेंशन को लेकर हुआ भयंकर ऐलान जारी। 65 लाख पेंशनर्स से उनके लिए आ चुकी है बड़ी खुशखबरी। साथ ही ईपीएफओ ने जो अपने सब्सक्राइबर है, जो प्राइवेट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए पेंशन में क्या बदलाव किया है, जिसके अनुसार उनको पेंशन में अब क्या क्या नए अंक लाभ देखने को मिलेंगे। तो ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोर्ट का क्या आदेश होने वाला है और कितनी आपकी बढ़ेगी पेंशन, इसकी आगे जानकारी मिलेगी आपको। और पेंशन ओपीएस को लेकर भी अपडेट मिला है। अगर आप ईपीएफओ सदस्य अनकी है या नौकरी आप बदलते हैं तो आपका पीएफ की राशि नई कंपनी या नियोक्ता के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। अब पुरानी से नई कंपनी में पीएफ राशि ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 31 नहीं भरना होगा। इससे करोड़ों सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, उनको राहत मिलेगी। ईपीएफओ ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब अगर कोई ईपीएफओ के सदस्य नौकरी बदलता है, जो सदस्य है, तो उसकी पीएफ की राशि नई कंपनी या नियोक्ता के पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। उनको ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, तो सदस्यों को इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नए नियमों को लागू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नई यह सुविधा है जो पेंशन के साथ शुरू हुई है, तो इस सुविधा के शुरू होने के बाद कर्मचारियों को पुरानी से नई कंपनी में जो पीएफ का राशि जो ट्रांसफर करने के लिए आपका फॉर्म 31 था, उस फॉर्म को अब आपको नहीं भरना पड़ेगा। ये फॉर्म अब यानी कि आपको इससे छुटकारा मिलेगा, यानी कि ऑटोमेटिक ये राशि ट्रांसफर हो जाएगी। तो पहले नौकरी बदलते समय पीएफ खाताधारकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन जो होने के बावजूद ही इसके लिए आवेदन संबंधी औपचारिकता ही करनी पड़ती थी। इसके तहत विशेष तरह का फॉर्म जो आपको 31 भरना पड़ता था और आपको भर के जमा भी करवाना होता था। इसके बाद राशि कुछ दिनों के बाद यानी कि नई कंपनी के अंदर यानी जो खाता होता है उसमें आपके ट्रांसफर की जाती है। लेकिन नई व्यवस्था में अब ये बदलाव कर दिया गया, इसके लिए अब आपको फॉर्म ये भरना नहीं पड़ेगा। इससे यानी कि आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी, गड़बड़ी की भी आशंका खत्म हो गई है। गौरतलब है कि जब कोई कर्मचारी या नौकरी बदलता है तो उसके यूएएन जो पीएफ खाते में या नई कंपनी या नियोक्ता जुड़ जाता है, तो उस ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही पुराने पीएफ खाते को नए खाते से जोड़ना चाहता है तो जोड़ना होता था। और इस प्रक्रिया में ईपीएफओ सदस्यों को कई बार दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इससे गड़बड़ी होने की आशंका इनकी बनी रहती थी। लेकिन अब यह गड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि ऑटोमेटिक तरीके से ही यह ट्रांसफर हो जाएंगी। और इसके अलावा पुरानी और न्यू नियोक्ता जो यानी कि न्यू नियोक्ता है जो पीएफ के, उनको भी अपनी औपचारिकता ही पूरी करनी पड़ती थी। अब सदस्यों को कोई भूमिका इस प्रक्रिया में नहीं होगी। तो यूएएन इसलिए जरूरी है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो पीएफ खाता धारक के उनके लिए केंद्रीकृत मंच के तौर पर काम करता है और ये एक सदस्य को कई पीएफ खातों को उनकी एक साथ जोड़ने की सुविधा देता है ताकि इस नंबर से वो एक से इनके अधिक खाते जोड़ सके। तो इसके अलावा यूएएन अन्य सेवा भी प्रदान करता है। इसके तहत ईपीएफओ सदस्य इसकी मदद से अपना यूएएन कार्ड और पीएफ की पासबुक भी डाउनलोड कर सकता है और एसएमएस के जरिए कुल शेष राशि की जानकारी भी हासिल कर सकता है। तो वेतन का 12% होगा आपका योगदान। तो 12% के योगदान को लेकर ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार कर्मचारी को पीएफ के लिए अपने मूल वेतन का 12% योगदान देना होता है। नियोक्ता को भी इसके बराबर का योगदान देना होता है और इसी खाते के जरिए किसी कर्मचारी को आगे चलकर पेंशन दी जाती है। तो इस तरह का ईपीएफओ से आपकी पेंशन को लेकर ये इनकी जो राहत आपको मिली है, जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी है या फिर गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है कि अब आपको फॉर्म में जो 31 नहीं भरना पड़ेगा। ये पेंशन की जो राशि है उसके लिए आप नई कंपनी बदलते हैं तो बदले जो कंपनी आप रखेंगे उसके अंदर ये ऑटोमेटिक राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो आपको यानी कि अब इस समस्या से छुटकारा मिला है। अब बात करेंगे ओपीएस को लेकर क्या अपडेट होने वाली है और मोदी सरकार का पेंशन को लेकर क्या फैसला होने वाला है। तो एक साथ पेंशन में आपको दो बड़े तोहफे क्या मिल सकते हैं। अगर आप 2004 से पहले के रिटायर्ड कर्मचारी है तो आपको ओपीएस का लाभ मिलता है। अगर आप 2004 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारी है तो फिर आपको एनपीएस का लाभ मिल रहा है। तो यानी कि जो पेंशन का भेदभाव है
यानी कि पहले रिटायर्ड कर्मचारी उनको अधिक पेंशन और 2004 के बाद रिटायर्ड उनको यानी कि कम पेंशन। तो इस पेंशन के भेदभाव को खत्म करने को लेकर कर्मचारी पेंशनर्स मांग करे कि सरकार इस पेंशन के भेदभाव को जो पूरी तरह से खत्म करे, सभी के लिए समान पेंशन लागू की जाए, ये मांग सरकार से की गई है। सरकार ने फिलहाल इस मांग को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। फिलहाल ये मांग लंबित है, लेकिन पेंशनर्स के द्वारा मांग की जा रही है सरकार के इस फैसले को लेकर जो पेंशनर्स को राहत प्रदान करे। पेंशनधारक काफी लंबे समय से ये भी पेंशनर्स की एक प्रमुख जो ईपीएस ओपीएस के साथ यानी कि मांग बनी हुई है। तो आपकी ओपीएस को लेकर क्या बड़ी जीत बताई जा रही, क्या ओपीएस अब आपकी बाल होगी फिर से यानी कि 2004 से बंद हुई ओपीएस को? तो फिलहाल ओपीएस की बाली को लेकर कोई आधिकारिक सरकार ने घोषणा जारी नहीं की है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू जिसके कारण सरकार ने ऐसी फिलहाल कोई घोषणा ओपीएस ईपीएस पेंशन के भेदभाव इन तमाम जो लंबित मुद्दे जिसको लेकर कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है। सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है कि जो आपकी ओपीएस बाल होगी या फिर एनपीएस में संशोधन होगा, साथ ही 2 नए नियम जारी, इस तरह की घोषणा फिलहाल कोई भी सरकार से नहीं हुई है। लेकिन अपडेट बताई जा रही है कि ओपीएस को जो बहाल करने को लेकर कर्मचारी मांग करे उसको लेकर सरकार ने पहले ही अपना फैसला कर दिया था कि सरकार के पास कोई ओपीएस की बाली को लेकर प्रस्ताव लंबित नहीं है। तो क्या सरकार अब दोबारा से ओपीएस को लेकर कोई फैसला लेगी? तो ऐसे में सरकार से यानि कि पहले ही यह फैसला साफ हो चुका है और आरबीआई बैंक में पहले भी यह चेतावनी सरकार यानि कि इस जो एनपीएस और ओपीएस को लेकर कर्मचारियों की मांग है, ओपीएस को बहाल करने को लेकर और एनपीएस की जो राशि है उसे यानि कि जो पेंशन मांग करे कि उन्हें कम पेंशन मिलती, तो इस मुद्दे को लेकर पहले यानि कि आरबीआई ने ऐसा ही कहा है कि जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ओपीएस हानिकारक है तो ओपीएस बहाल नहीं की जाएगी। तो वैसे में कर्मचारियों की यही मांग है कि सरकार ओपीएस बहाल करे। तो फिलहाल सरकार से इस मुद्दे को लेकर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं हुई है। जो कमेटी बनाई थी एनपीएस रिव्यू के लिए वो कमेटी सरकार को जल्द रिपोर्ट सौंप सकती है। उस रिपोर्ट के अनुसार तय हो पाएगा कि आपके लिए क्या बदलाव होंगे या फिर नहीं बदलाव होंगे, या फिर ओपीएस पर से बहाल होगी या फिर एनपीएस 2004 से लागू वही आपको मिलेगी। तो फिलहाल ओपीएस से जुड़ा इस तरह का यानी कि अपडेट होने वाला है। तो अगली बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए जो आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी। तो ईपीएस को लेकर आखिर क्या फैसला होने वाला है? तो पेंशन धारकों की मांग की जा रही है सरकार मिनिमम पेंशन की जो 1000 रुपए की राशि है उसे बढ़ा करके 7500 रुपए की राशि लागू करे। साथ ही जो पेंशनर्स की 4 सूत्री मांगे जिनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, तो आने वाले समय में आपको पेंशनर्स को अच्छी खुशखबरी देखने को जरूर मिल सकती है। तो ईपीएस न्यूनतम पेंशन संशोधन की मांग लगातार सरकार से कर्मचारियों द्वारा की जा रही है कि 1000 रुपए की पेंशन मिलती है उस राशि को बढ़ा करके सरकार 7500 रुपए करे। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने अपने इनकी मांगों को लेकर बात करते हुए लिखा है कि पेंशनभोगियों के एक फेसबुक पेज पर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है कि एक पेंशनर्स ने लिखा, श्रम मंत्री श्रमिक कल्याण में प्रारंभिक बिंदु है। वर्तमान श्रम मंत्री एक बहुत ही राजनीतिक और परिष्कृत व्यक्ति है। वह इस योजना को संशोधन है जो पेंशन मांग करे तो उसके संशोधन को लेकर आगे बढ़ सकते थे। अंतिम संशोधन कुछ 10 साल पहले हुआ था 1/9/2014 को और महंगाई वेतन में वृद्धि को देखते हुए वेतन भोगी अब पेंशन से वो वेतन को 15000 रुपए का जो सैलरी लिमिट 2014 के बदलाव के तहत लागू है उससे खत्म करके 21000 रुपए का सैलरी लिमिट लागू करने को लेकर मांग की जा रही है, जिससे कि पेंशन को बेहतर पेंशन मिल सके और उस स्थिति में आपकी जो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की जगह 3000 रुपए या फिर इससे भी अधिक तय की जा सकती है। तो पेंशनर्स के द्वारा इस तरह की जो पेंशन को लेकर मांग की जा रही है। साथ ही बात करेंगे कि राजनाथ सिंह ने पेंशनर्स से मुलाकात में पेंशनर्स को क्या आश्वासन दिया है। तो पेंशनर्स यहां पर विलास रामचंद्रा ने गोसवाल ने यहां पर जानकारी साझा की है कि दिल्ली में एनसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान एक संदेश प्राप्त हुआ कि भाजपा की घोषणा पत्र हेतु 27 लोगों की समिति का गठन हुआ और इसके प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तो कमांडर अशोक रावत के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्हें दिनांक 31/3/2024 को मथुरा सभा में जाना था उनमें से राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, समन्वय जयरूप सिंह परियार और मुख्य समन्वय मुख्यालय के उमाकांत सिंह के साथ एक प्रतिनिधित्व मंडल बनाकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। तो भाजपा के घोषणा पत्र में पेंशन की राशि 1000 रुपए की बढ़ा करके 7500 रुपए सरकार लागू करे यह मांग भी शामिल कराने को लेकर पेंशनर्स ने मांग किया। साथ ही साथ में पेंशनर्स को फ्री में मेडिकल की सुविधा भी मिले, ये प्रमुख मांग है जिसको लेकर इस घोषणा पत्र में यानी कि भाजपा के घोषणा पत्र में ये दो मांगे पेंशनर्स की ईपीएस के जो पेंशनर्स उसकी मांगों को शामिल करने को लेकर यहाँ पर सरकार से मांग की गई। तो फिलहाल इस मांग को लेकर क्या राजनाथ सिंह ने यानी कि पेंशनर्स को आश्वासन दिया है? तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह घोषणा पत्र समिति में यह मसला निश्चित रूप से चर्चा कर इसे सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। अगले 2 दिनों में एनएससी के राष्ट्रीय नेता दिल्ली में घोषणा पत्र समिति के अन्य सदस्य भी मिलेंगे। तो इस तरह की फिलहाल आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर अपडेट होने वाली। इस तरह की और रोजाना नई ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना ताकि आपकी ईपीएस पेंशन जुड़ी रोजाना ताजा अपडेट देखने को मिलती रहे।